नमस्कार दोस्तों, आई एम भोपाल के फर्स्ट ट्रिपल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम भोपाल में हैं और भोपाल के उस मंदिर में जिसे हम कला का मंदिर कहते हैं, भारत भवन में। और भारत भवन में एक बहुत ही ख़ास मेहमान कहूँ, मेज़बान कहूँ, क्योंकि कल उन्होंने यहाँ भोपाल में एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। सुंदर इसीलिए कि गायकी में तो अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म है, अलग अलग तरह की गायकी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक अलग आर्ट फॉर्म को चुना, या कि गायकी में उन देश के चुनिंदा शायर, या जिन्हें शायद हम कहें कि नई जनरेशन बहुत करीब से उनसे वाबस्ता नहीं है, चाहे हम बात करें मजाज साहब की बात करें, शिव कुमार बटालवी की बात करें, फैज़ अहमद फैज़ की बात करें, आप पोएट भी हैं या पोएटेस भी हैं, कवित्री भी हैं, आप फिल्म राइटर भी हैं, फिल्में भी बनाती हैं, आप लिखती भी हैं, और आपकी जो लेखनी है वो एक महिला लेखन से को अलग होती है, जहाँ महिला लेखन में सौंदर्य या उनके परिवार या उनके जो परिस्थितियाँ झलकती हैं, लेकिन इनके लेखन में एक फुटपाथ पे बैठी हुई लड़की नज़र आती है या एम्बुलेंस में बैठी हुई लड़की, तो इस तरह की संवेदना। और जी हाँ, हमारे साथ हैं शेफाली फ्रॉस्ट, जो इंडिया और लंदन दोनों में रहती हैं और दोनों जगह के कल्चर को वो बहुत करीब से देखती हैं, और उनकी जो लेखनी है उसमें शायद वो विद्रोह भी नज़र आता है 15वीं शताब्दी का, या जो ब्रिटिश साम्राज्य का महिलाओं का। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे खास तौर पे उन्होंने मजाज साहब को चुना, क्योंकि मजाज साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत कम एज में वो चले गए, लेकिन जो कर गए शायद वो आने वाली जनरेशन उसको देखेंगी, जानेंगी, रूबरू होंगी। सबसे पहले शेफाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भोपाल में। मुझे ये बताइए कि कैसे ये गायकी से और लिटरेचर से कैसे जुड़ना हुआ, थोड़ा अपने परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में, कहाँ आपका जन्म हुआ? मैं ओरिजिनली लखनऊ से हूँ, और लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई काफ़ी विस्तृत बहुत बहुत जगहों पर हुई, इंग्लैंड में भी मेरी पढ़ाई हुई है काफ़ी, और मैं वहाँ रहती हूँ। तो मजाज साहब से मैं इसलिए मेरा तारुफ हुआ क्योंकि जब मैं उर्दू अदब का दरवाज़ा खटखटा रही थी ये समझने के लिए कि हम आए कहाँ से हैं, हमारी जो आज हमारे सामने समाज में हो रहा है वो उसकी जड़ें कहाँ हैं, तो मुझे ये समझ में आया कि जब तक आप उर्दू अदब को नहीं समझेंगे शायद आपकी समझ अधूरी रहेगी। तो रस्मुल ख़त उर्दू का मुझे नहीं आता, मैं पढ़ लिख नहीं सकती, तो मुश्किल तो हुई, लेकिन मजाज साहब का काम, अख्तरुलईमान साहब का काम, नासिर काज़मी साहब का काम, फैज़ साहब का काम, इन सब के काम में आप देखें तो आपको इतना कुछ समझ में आता है दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, अपने देश के बारे में और अपने आप के बारे में। तो वो आपको हर लेवल पे रूबरू कराते हैं, है ना, अपने आप से, दुनिया से, समाज से। तो मजाज साहब से मेरा जुड़ना इसलिए हुआ शुरू शुरू में क्योंकि मैं परख रही थी, समझ रही थी, लेकिन एक बार जब मैं मजाज साहब से जुड़ी तो फिर अंदर जाते गए जाते गए जाते गए और इतना कुछ मिलता गया कि अब तो मजाज साहब से मेरा रिश्ता है। तो मजाज साहब ही क्यों पसंद हैं, क्या कारण है? बहुत सारे और शायर हुए हैं, बहुत सारे और सिग्नेचर हस्ताक्षर हुए हैं, चाहे लिटरेचर में, चाहे पोइट्री में, चाहे शायरी में, मजाज साहब ही क्यों? मजाज साहब के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि वो 44 साल में उनका इंतकाल हो गया था, तो उनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ फेमस है, मतलब कि जैसे कि उन्होंने जो लिखा है बहुत सारे लोग उन्हें महदूद करते हैं सिर्फ एक असफल आशिक के उसमें, तो ये इतना बड़ा डिसइंफॉर्मेशन एंड इतना बड़ा इनजस्टिस है सिर्फ मजाज साहब के साथ नहीं, बिकॉज मजाज साहब तो जो बड़ा काम करना था कर गए, और वो इस तरीके के शायर थे कि शायद उन्हें इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत दीवानगी की हद तक लिखते थे और सोचते समझते थे, बिल्कुल। लेकिन हम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है कि हम मजाज साहब को ठीक से नहीं समझते, क्योंकि मजाज साहब ने इश्क भी के बारे में भी जो लिखा, तो उसकी जो उन्होंने मयार जो बनाई है वो तसव्वुफ तक पहुंचती है, वो सूफी जो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी वो सब को छोड़ छाड़ के वो कहीं और पहुंच जाती है, और फिर वो देश से कनेक्ट होती है और वो इंसान से भी कनेक्ट होती है, उसमें आपको इश्क जो मिलता है वो आपको कहीं कहीं ले जाता है, हाँ, तो वो तो इश्क का कलाम हुआ। उसके बाद उनकी जो रेवोल्यूशनरी सोच थी, ज़बरदस्त इनकलाबी सोच थी, जैसे आवारा जो उनकी सबसे ज़्यादा मकबूल जो उनकी नज़्म है, तो उसको फिल्मों में भी गाया गया, तो उसके जो इश्क के जो बंद थे क्योंकि वो काफ़ी तवील नज़्म है, तो वो गाया गया, तो हर तरफ ये हो गया कि ये इश्क की बात करते हैं। लेकिन अगर जब आप उसका रेवोल्यूशनरी कॉन्टेंट पढ़ते हैं तो आप डर जाते हैं कि ये आदमी, और इन्होंने ये शायद 31 साल की उम्र में लिखी होगी मेरे ख्याल से, कि ये आदमी क्या क्या सोच रहा था और कितना कितना लड़ रहा था अपने आप से, समाज से, और कैसे लड़ रहा था, लिखने के थ्रू, लेकिन अपने आप को बिल्कुल उसमें जलाया जा रहा था, तो वो तो मतलब उनके जुनून से जुड़ जाना मतलब कि आप मजाज साहब से जुड़ गए, तो वो दुनिया को देखना सिखाते हैं मजाज साहब।
आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मजाह साहब को जानना या पढ़ना शायद खुद को जानने के जैसा ही है। मजाह साहब, जैसे आपने बात करी कि तमाम लोग उसको असफल आशिक बोलते हैं, एक वो शराब और उसमें डूबे रहने वाला एक शायर, लेकिन जो इंकलाब जो उन्होंने लिखा, शायद दुपट्टे को उन्होंने झंडा बनाने की बात की, तमाम चीज़ें बात की। आज के दौर में अगर बात करें, चूँकि जैसे आपने मजाह को चुना, अशोक कुमार बटालवी जी पर भी आप काम कर रही हैं, तमाम शायरों पर आप काम कर रही हैं, आज वो जो आज भी वैसा ही दौर है, अगर एक तरह से हम देखा जाए कि जो वो दौर था, वो प्रॉब्लम्स थी, वो सोसाइटी, आज हम बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं, बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, चांद पे पहुंच गए, लेकिन शायद प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा हैं। सो आज क्यों जो लिखा जा रहा है उस तरह का क्रांतिकारी क्यों नहीं लिखा जा रहा, आज कोई मजाज क्यों नहीं है, आप चूँकि जिस तरह से मजाज को आपने चुना, ऐसा कहना कि आज मजाज क्यों नहीं है शायद लिमिटेड होगा, क्योंकि बहुत सब लोग लिख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग शोर मचा के लिख रहे हैं, जो लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, उनके पीछे जो वो जो आवाज़ें हैं जिनमें सचमुच में बहुत काम हो रहा है, वो दब रही हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखें तो अदब में बहुत काम हो रहा है, बहुत बहुत काम हो रहा है। अभी तो रेखता का फेस्टिवल भी होने वाला, तो उसमें भी आप देखेंगे कि शोरा जो जो यंग आ रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त लिख रहे हैं, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, उर्दू में भी और हिंदी में भी बहुत काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मजाज साहब अपनी समय की उपज थे, और मजाज साहब जैसा होना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वो शख्स ऐसा था कि जैसे कि ना सब कुछ सारे मुलम्मे हटा के दुनिया के बाज़ार में कोई ऐसा जना जाए जो कि बाज़ार की हर एक चीज़ से अफेक्ट हो, और बहुत ही सेंसिटिव हो, सिर्फ अपने लिए ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए, चाहे वो महिलाएं हों उनके घर की या बाहर की, चाहे वो लोग हों मजलूम हों जो उनको दिखते हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो दहका हो, वो हर एक के दुख से उतने परेशान दिखते हैं जितने कि आप जैसे ने कहा कि वो आशिकी। अच्छा, दूसरी बात जो इश्क इश्क हुआ, पर इश्क तो एक बहुत बड़ी एनर्जी है, तो इश्क में असफल होना भी एक बहुत बड़ी एनर्जी है, तो उससे वो मेरे ख्याल से सिर्फ वही नहीं था जो कि मजाज साहब की एक अर्ली डेथ का कारण बना, वो इंसान इतना शदीद, इतना ज़्यादा इंटेंसली हर एक चीज़ को फील करता था कि वो शायद दुनिया में बहुत बड़ा काम कर गए, और वो इतना काम कर गए इतनी सी उम्र में कि जो है शायद आने वाले ज़माने में, तो ये कहती हूँ कि जब जब दौर बदलेगा मजाज साहब को सोचने की और समझने की कोशिश होगी, और जितना हम उन्हें समझेंगे उतना हम समाज में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। बिल्कुल, इससे पहले कि शेफाली जी आगे बढ़ें, चूँकि आप बहुत सारे रंग हैं आपकी ज़िंदगी के, या कहें कि कलर्स हैं, चाहे आर्ट फॉर्म को जानना, खुद को जानना, जहाँ आप एक तरफ आपने लंबा समय मीडिया में गुजारा, शायद इराक वार के बाद ही शायद यू लेफ्ट मीडिया, सो वही आप लिखती है, वही मंच पर आप कई बार प्रोग्राम को कंडक्ट करते नज़र आती है, रेडियो पे नज़र आती है, गाते नज़र आती है, लेकिन चूंकि कविता एक बहुत अहम पहलू है ज़िंदगी का, पोएट्री या शायरी, और जो आपकी किताब जो आपके साथ भी रखी, अभी मैंने देखा, मैंने इसे पढ़ा है काफ़ी, फुटपाथ पर वो जो बैठी हुई आ रही हुई जो एम्बुलेंस के नीचे लड़की, बहुत सारी, मुझे लगता है कुछ आप उसमें से जो आपको बहुत करीब है दिल के, वो एक दो कविता आप अपने फैंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। नहीं नहीं, जो भी आपको, नहीं नहीं, जो जो आप जो मुझे अपनी सारी कविता मुझे लगता है कि अभी इसलिए भी रिलेवेंट है आपका जो लेखन, क्योंकि जो आपने अभी हैदराबाद की घटना सुनी है, जो एक बड़ा इशू जिस पे अब देश में कैंडल मार्च, एक वो जो फैशन जो होता है कि कैंडल मार्च करें, आई थिंक मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है इस तरह के इशूज़ को उस दरभंगता से लिखने की, शायद डर अभी भी बैठा हुआ है सोसाइटी में, राइटर्स में, कि अगर हम लिखते हैं तो हमें शायद उन मंचों पे ना बुलाया जाएगा क्योंकि वो सिस्टम के अगेंस्ट होगा। तो चलिए पहले आपकी कविता सुनते फिर आगे बातचीत जारी। एक्चुअली मुझे मंचों पर बुलाए जाने का इतना शौक है नहीं, मैं एक्चुअली जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लिखने में इतना मेरा इतना समय जाता है काम करने की, मेरे पास जो है मार्केटिंग का समय है नहीं, है ना। तो अच्छा, एक बड़ी लंबी सी कविता है जो शायद बहुत कम पढ़ी जाती है, लेकिन उसे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो तीन चार पन्ने की कविता है, हम ये पढ़ते हैं जो आपने जो अभी मेंशन किया। भूख बिस्तर है, एक रात ऐसी भी कि भूख का पेट भर जाए, ऑमलेट के टुकड़े सजे रहे तकिए पर, वो ढूंढती रहे पेट की ये आवाज़ किसका कुल बुलाना है, और जवाब में सर के सारे बाल झड़ जाएं, अंधेरे डब्बे खनखनाते रहें खोपड़ी पर चांद की, भरती रहे किलकारियां गड्ढों की कटोरी, बिना सब्जी के गुस्से तले हंसने लगे उड़ते हुए बाल, प्यार से थपकता रहे जीभ उसकी भरपेट आसमान। नाराजगी का उसकी सिला ये है, सैकड़ों भरे फलदान और फ्रिज बिखर बिखर खिड़की के बाहर बंद जाते हैं नासूर की हवा में अंदर, वो सांस लेती है पीली सी, औंधा पेट आंतों की राह चल गले में उलट जाता है,
जिंदा रहता है एक शोर, वहाँ जहाँ कल भूख थी अब तो वो भी नहीं, अंदर बाहर सब भर जाता है। भूख नींद है, भूख जागना, भूख ही बिस्तर है वो खाली जिसमें भूख सोती है। चार बच्चे दो माई बाप खड़े हैं फ्लाईओवर के नीचे, हाथ हिलाकर भूखों को देते हुए अपनी भूख। इनमें से कुछ ही शायद आज पूरी रात सोएंगे। फुटपाथ हिल रहा है नजर से उनकी, गिर रही है ईंटों पर वही काली रात जो ऑमलेट के टुकड़े से तकिया नोचती है, झड़े हुए बाल समेट कर प्लेट पर रख देती है। सब जल जाता है, खाने लायक कुछ भी नहीं, एक पेट है बस हिलता हुआ, आंतों के रास्ते मुंह को तलाशता हुआ। आई थिंक ये जब जब पढ़ता हूँ तो एक बड़ा इमोशनल, ये इसमें बहुत बड़ा एक बात छुपी हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लंदन में बैठकर एक फुटपाथ और उसको कैसे आप महसूस कर पाती है, कि बिकॉज एवरीडी थॉट कि लंदन इंग्लैंड फॉरेन और जिस तरीके से आप, तो कैसे इतना करीब से आपने वो जो दर्शन है या वो जो ज़िंदगी है, क्योंकि जनरली फीमेल राइटर एक वही मैंने आपको कहा श्रृंगार सौंदर्य या परिवार के आसपास लिखते हैं, लेकिन आपकी जो कविताएँ जितना ही पढ़े बहुत कंट्रास्ट है, मतलब बहुत अलग बगावत करती है एक तरह से कहें ऐसा क्या। वो बगावत अपने अंदर होती है, आप किस कहीं भी चले जाएं, लेकिन ये एक्चुअली एक बड़ी भ्रांति है कि मैं कोई इंग्लैंड से राइटर हूँ। मैं बहुत मतलब इस बात से मैं इतना झिझकती और शर्माती हूँ, हाँ, और ये बात जो है पता नहीं क्यों लोगों को इतनी पसंद है। मैं चाहती हूँ कि लोग इसके बारे में बात ना करें, लेकिन ये होता है कि मैं बहुत भटकती हूँ। आपने मुझसे बोला कि मैंने जो है BBC में और एमनेस्टी सब में काम किया और वो नौकरी भी छोड़ दी मैंने, वो क्यों, क्योंकि मुझे भटकना, मुझे सडनली लगा कि अरे यहाँ तो तनख्वाह मिलने लगी और जो है आपके पास पैसे हो गए कि आप चीज़ें खरीद सकें, इसका मतलब आपका भटकना खत्म हो गया। तो मैं इतनी डर गई भटकना खत्म होने से कि मैंने नौकरी छोड़ दी। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था, बहुत बड़ा रीज़न था ये छोड़ने का। तो जो आप कह रहे हैं कि फुटपाथ कैसे देखते हैं, तो मैं तो सड़क सड़क बहुत घूमती हूँ, बस्ता लेकर एक सूटकेस लेके महुबा पहुँच गए बिना किसी संस्था से बात की, उसके बाद फिर इंटीरियर क्षेत्र में चले गए तो लोग मुझसे पूछते हैं आप ये क्यों कर रही हैं, उनको लगता है कि आप कोई आर्टिकल लिख रही हैं या कि आप कोई स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं, और मैं कहती हूँ नहीं। तो बोल रही कि आप क्या समझने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, एक दिन में पाँच दिन में दस दिन में आप कहीं कुछ समझ सकते हैं क्या, मैं सिर्फ होती हूँ उस जगह पर। या फिर अगर जैसे आप दिल्ली में हैं, लोग करते नहीं हैं, लेकिन जैसे उसी दिन था तो निज़ामुद्दीन का एक ट्रैफिक ट्रायंगल है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखा जो कि जिसके जो मैं पास से गुजर रही थी, और मुझे ये लग रहा था कि सामने ही एक एडवर्टिजमेंट आसपास में कहीं देख के आई थी जिसमें एक बड़े खूबसूरत सा एक थोड़ा सा विलायती नुमा बच्चा एक एक बहुत ही संभ्रांत महिला के साथ खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने नया एयर प्योरीफायर खरीद लिया था, और मुझे लग रहा था कि ये जो बच्चा है इसके एयर प्योरीफायर के बारे में कौन सोचेगा, क्योंकि ये तो सांस ही ले रहा है ज़मीन से जुड़ा हुआ उस पोल्यूशन में। तो फिर मैं वहाँ बहुत देर रुकी, मैंने बहुत देर लोगों से बात की, और आपके आपके जीवन में एक बड़ी एक कचोट सी रहती क्योंकि आप ना यहाँ के होते ना वहाँ के होते। वहाँ भी अगर आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो कि मजलूम हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप वहाँ के नहीं हो पाते क्योंकि आप तो वहाँ बाहर के रहेंगे ना, क्योंकि तो वो भी एक घमंड कि हाँ हम जाके लोगों को देख रहे हैं समझ रहे हैं, ये भी झूठ है, हर तरफ झूठ ही झूठ है। आप खुद अपने आप को झूठ पाते हैं और उस झूठ और अपने खिलाफ जो आपका गुस्सा आता है कि आप अच्छा आप वहाँ भी फिट नहीं हो पाते जहाँ पर वो लोग हैं जिनके पास पावर है, क्योंकि आप उनसे बेसिकली अलग होने की कोशिश करते हैं, तो आप कहीं भी फिट नहीं बैठते। और शायद ना फिट होने में और अपने खिलाफ ये जो गुस्सा होता है ना फिट होने का, और उसमें कविता आती है कहीं, और कविता तो आपके हर तरफ है, सब तरफ है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि हम झूठ में जी रहे हैं, शायद हर आदमी दो चेहरे लेके जी रहा है झूठे आवरण में, क्योंकि वो जो खुशी है हमें खुशी मिलती है अपनी तारीफ को सुनने में, या हम कुछ बड़ा बन जाए ग्लैमर हो। आप उस पद पे पहुँचे BBC और जहाँ सपना देखता है एक मीडिया का जो जर्नलिस्ट स्टार्ट करता है, आप टॉप पीक करियर पे थे, आपका नाम था, इराक वार का अचानक क्यों मीडिया से क्यों छोड़ दिया? बहुत सारे जो मीडिया के यंगस्टर हैं वो बात करते हैं कि इतने टॉप पे जाने के बाद क्यों ऐसा। देखिए मैं फिल्म एडिटर थी तो मैंने ये नोटिस किया ड्यूरिंग द वॉर कि आप चाहे, क्योंकि हम जब सब मीडिया में कोशिश करते हैं जाने की तो हम मेरे ख्याल से सबके दिमाग में ही होता है ज़्यादातर, अब पता नहीं बहुतों का नहीं, कि हम दुनिया को बदलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आप वहाँ जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि खासकर जो मीडियम वीडियो मीडियम होता है वो इतना डिपेंडेंट होता है पिक्चर्स पे, विजुअल्स पे और बजटिंग पे और उस पर कि और
उससे भी बड़ी चीज़ है पावर्स दैट बी पर, क्या कहलवाया जा सकता है और क्या नहीं कहलवाया जा सकता है उस पर। तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो सिस्टम इतना ज़बरदस्त कोऑप्टेड है, और मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत बहुत इज्जत करती हूँ जो अपने देश में भी खड़े होके लड़ रहे हैं और सिस्टम के अगेंस्ट बोल रहे हैं, और वो पत्रकार भी हैं, है ना। उसी दिन मैं एक चैनल पे थी जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा था, मुझे लग रहा था ये यंग लोग थे, एंड मुझे पता है कि उनके सर पे तलवार लटकी रहती है हर समय, लेकिन काम कर रहे हैं तो है ऐसा। पर मुझे लगा कि जो है, एक तो ये हुआ कि मुझे लगा कि ये कोऑप्टिंग मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करना चाहती, और मैं इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं कुछ चेंज कर पाऊँ। तो मुझे लगा कि ये जो मैं काम करना चाहती हूँ मुझे बाहर निकल के करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जगह चाहिए होगी। और दूसरा ये कि मुझे सचमुच में लगने लगा था कि नौकरी हो गई, पैसे आने लग गए, तो ऐसे सडनली लगा कि ये तो बहुत जल्दी भटकन ख़त्म हो जाएगी भाई। सुबह जाते हैं आप काम, शाम को लौट के आते हैं, आपके पास समय नहीं होता है सोचने के लिए, भटकने के लिए, और वो जो हैरानी परेशानी आपकी ज़िंदगी से समय चाहती है ना, हैरान होना समय जाता है। और किसी भी तरीके का क्रिएटिव काम, किसी भी तरीके का सामाजिक सोच भटकन चाहती है, नाराज़गी चाहती है, उसकी अगर जगह नहीं मिले आपको तो फिर तो आप नहीं, मुझे लगा, और ये सबका सोच नहीं है, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा। जैसे आपने बात की, चलिए आपने मीडिया छोड़ा, वो तमाम चीज़ें छोड़ी, लेखन जारी है, एक जिस तरह का आप काम कर रही हैं, एक तरह से वो हिस्ट्री को आप रिवाइव कर रही हैं, हिस्ट्री को एक सामने ला रही हैं अपने तरीके से, चाहे वो थ्रू म्यूज़िक, क्योंकि अगर बहुत सारे यंगस्टर सूफिज़्म को जानते हैं तो सयोनी एक गीत आया था जुनून का, तो वहाँ से देनो कि व्हाट इज़ सूफिज़्म, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मिथक हैं शायद देश दुनिया में कि जो उर्दू है वो इस्लाम की भाषा है मुसलमान लोगों के लिए ही ये मतलब एक मस्त है, या अगर हम बात करें सूफी तो सूफी एक अलग कोई कल्चर या कोई एक अलग कम्युनिटी है। सो चूंकि हिस्ट्री से आज बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है, अपने तरीके से लोग उसको प्रटेंड कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, शायद रिटर्न में कुछ भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है, क्या मानती, क्या जिस तरह से हिस्ट्री को खिलवाड़ हो रहा है उसको किस तरह देखती है, और अब तो बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है और उसको चीख चीख के ब्रांडिंग भी की जा रही है। देखिए, किसी भी दौर में हिस्टोरिकली आप देखिए, हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ होता है, सत्ता पक्ष के द्वारा हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ इसलिए होता है क्योंकि हर सत्ताधारी को एक नैरेटिव बनाना होता है जिसमें वो अपने आतताई प्रवृत्ति को, अपनी एक्सेसिस को और अपनी एंटी पीपल पॉलिसीज़ को जस्टिफाई करे, जस्टिफाई ही नहीं करे, लोगों को इस मुगालते में रखे कि तुम खुश हो, तो उसके लिए हिस्ट्री से खिलवाड़ होना ज़रूरी है उनके लिए। लेकिन अब ये जो है बाकियों पे है कि हम किस तरीके से उसके डर में, उसकी जद में ना आए। प्रॉब्लम ये है कि मीडिया जो अब, जो एक ज़माना था जब आपके पास सोसाइटी इतनी ज़्यादा होमोजेनाइज्ड बिकॉज ऑफ मीडिया नहीं थी, इतनी ज़्यादा जिसको मतलब कुछ भी होता है उसको किसी कोई भी रंग दे के आप मिनटों में जो है सोशल मीडिया के थ्रू एक रंग दे सकते हैं, शायद जब ये नहीं था, जब लोग किताबें पढ़ते थे, जब लोग कवियों को सुनते थे और उसके थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करते थे, तो एक वेरिएबिलिटी का मौका मिलता था, तो आप दूसरी दूसरी तरीके की चीज़ें समझते थे। मतलब मेरा ख्याल तो ये है कि लिटरेचर जब आप पढ़ते हैं, आप 5 तरीके की किताबें पढ़ते हैं, एक में आपको एक सोचने का तरीका दिखता है, दूसरे में दूसरा, तो आप उसको समझने के लिए आपकी जो समझ है वो थोड़ी वृहद हो जाती है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो एनालिसिस ऑफ न्यूज़ है, एक बहुत ही स्मॉल सेक्शन से आ रही है जिसको कंट्रोल करना सत्ताधारियों के लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न जो विजुअल मीडियम है और जो कि एक हाईली एक्सपेंसिव मीडियम टू क्रिएट है, तो उसमें वो पैसे की सत्ता, हाँ, तो उस वजह से जो है हम लोगों पर ये इनकम्बेंट हो जाता है कि जो लड़ रहे हैं वो लड़ें, और लोग लड़ रहे हैं। हम इससे पहले कि आगे बढ़े और शिव कुमार बटालवी जी पे बात करें, क्योंकि शिव कुमार बटालवी जी को शायद अब नई जनरेशन इसलिए जानती है, बहुत लोग अभी पढ़ने लगे गूगल पे, उड़ता पंजाब में एक कुड़ी जो उनका लिखा हुआ एक बहुत पुराना गीत है, चूँकि बहुत कम एज में वो भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन जिस तरीके से पंजाबी इश्क सूफी को उन्होंने देखा, उनके रंग थे। मैं चाहूँगा इससे पहले कि अगला सवाल करें, आप कोई एक अंतरा, कोई भी आपके जो दिल के मजाज का या किसी का एक प्लीज़ कोई भी गुनगुनाए। तो शिव कुमार बटालवी ही गा देते हैं। मैंने माए मैं एक शिकरायार बनाया और दे सर ते कल गे मैं उदे पैरी चोग चुगे ना आया
माने माए मैं एक शिकरायार बनाया। क्या बात है। सो जिस तरीके से ये रूहानियत की बात शिव कुमार बटालवी करते थे, क्योंकि आप मजाज साहब से जुड़े, शिव कुमार बटालवी को लेकर किस तरह का काम चल रहा है आप कर रहे हैं? देखिए, ये जो आपने मजाज साहब का नाम लिया और आपने शिव कुमार बटालवी जी का नाम लिया, मतलब फैज़ साहब के बारे में भी ये बहुत ही सही है। फैज़ अहमद साहब के फैज़ के साथ भी यही है कि ये लोग पर्सनल को पॉलिटिकल बनाना और पॉलिटिकल को पर्सनल बनाना इसलिए जानते थे क्योंकि उनके अंदर ही एक बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग थी कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल इज़ पर्सनल। मैं और आप यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं, इट इज़ पॉलिटिकल एंड इट इज़ पर्सनल, है ना। तो वो कोई पर्सनल कुछ उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट हुआ किसी चीज़ का, उसको पॉलिटिकल दायरे तक बढ़ा कर देखना, ये उनका काम था, जो कि वो एक कविता में कर जाते थे। शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत पर्सनल से हो रही है या पर्टिकुलर से हो रही है और जा रहे हैं आप सोशल तक, और है ना। तो ये जो उनका तरीका है, उस वजह से जो है आप बहुत कुछ सीखते हैं, और यही आर्ट का काम है कि वो पर्सनल और पॉलिटिकल को कनेक्ट करें और समाज को व्यक्ति से कनेक्ट करें, और उसको पॉलिटिकल ओवर्टली दिखने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे माई नी माई मैं एक शिकरा यार बनाया, ये एक्चुअली एक लव, बहुत ही मतलब सघन लव पोइट्री है, लेकिन इसमें पार्टीशन है, लेकिन इसमें सूफीज़म है, लेकिन तो इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ। और ये उन्होंने उस समय सोच के नहीं किया कि भाई मैं पार्टीशन के बारे में लिखाऊँगा कि मैं सूफीज़म के बारे में लिखूँगा। एक कवि अंदर अंदर तक जो होता है वही उसके कागज़ पर आता है, इसीलिए कविता एक बहुत सच्चा मीडियम है। जब आप कविता को कविता की तरह से लिखें, नारे की तरह से नहीं, है ना, क्योंकि जो आपके अंदर होता है वो आपको पता ही नहीं होता है कि किस हिस्से का क्या किस समय कागज़ पर आ गया, यहाँ का यहाँ ये आया, वहाँ का ये आया, और उससे कविता फिर बनती है, इसीलिए वो एक इतनी सच्ची विधा है। आपने बहुत अच्छी बात की, मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा है, क्योंकि अब ये अच्छी बात है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स लोग भी आ चुके हैं लिटरेचर पोएट्री में, वो किसी रूप में आ चुके हों, चाहे वो ग्लैमर की तरह के उसमें बड़े बड़े नाम आते हों, जावेद अख्तर साहब आ गए, उसमें प्रसून जोशी आ गए, या जो स्वानंद किरकिरे हैं खुद भी बहुत अच्छे गायक हैं, वो लिखते भी हैं। सो बहुत सारे, ये अच्छी बात है कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, रेखता था एक बड़ा प्लेटफॉर्म, संजीव श्राफ साहब ने किया, तमाम जगह हो रहा है, भोपाल में अभी विश्व यहाँ पर रंग हुआ था, इसमें देश और दुनिया के पोएट्स आए थे, राइटर्स आए थे। सो इस तरह के प्रोग्राम तो हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि खुद एक आर्ट, आप दो तीन आर्ट फॉर्म, अलग अलग आर्ट फॉर्म में जुड़ी हुई हैं, आप भी जाती हैं उन मंचों पर, अपनी बात रखती हैं, सो इससे कलाकार को कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि जिस तरह धड़े बन गए हैं, ग्रुप बन गए हैं कि ये हमारा ग्रुप है तो इसी ग्रुप के लोग आएंगे, कि जनरली हर राइटर पोएट का एक बड़े कवि का अपना एक सिस्टम और अपनी एक दुनिया होती है, अपने लोग होते हैं, तो कलाकार को क्या फ़ायदा होता है, खासकर नए लोगों को, क्योंकि बड़े लोग तो आते हैं, हम लोग भी अगर प्ले देखने जाते थे नाटक, चूँकि आप फिल्म से जुड़ी हैं, कि अगर कोई बड़ा नाटककार है, बड़ा नाम है, जैसे शोएब अख्तर आए, कल सोहेल अख्तर साहब थे, सोहेल अख्तर साहब ने लिखा टॉम अल्टर साहब पे परछाइयाँ, जो उन्होंने किया था तमाम साहिर लुधियानवी साहब को, तो चूँकि टॉम अल्टर है तो लोगों को लगता है अरे ये तो फिल्म के बड़े एक्टर हैं, तो इसलिए लोग खींचे चले आते हैं। आज भी शायद मुझे लगता है कि वो रूह से दिल से बहुत कम लोग, चूँकि आप क्लासिकल और तमाम उस विधा में, तो मेरा यही सवाल कि ये कितना फायदा हो रहा है एक नए कलाकार को, एक आर्टिस्ट को, और जिस तरह के ग्रुप चल रहा है, प्रोग्राम तो हो रहे हैं बड़े बड़े। देखिए, इसमें दो बातें हैं, एक तो हर एक के लिए जगह है, ये कहना कि जो है ये खेमा है और वो खेमा है, सबके लिए जगह है, और जितना ज़्यादा आर्ट के लिए काम हो सके, जिस भी लेवल पे, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पे हो रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है, वो होना चाहिए, क्योंकि इंसान को मशीन बनने से और हैवान बनने से रोकना ही आर्ट का काम है। तो एक्चुअली अगर कॉर्पोरेट से आ रही है आर्ट तो बहुत ही बढ़िया है, है ना, क्योंकि जो है उसमें एक जो सुंदरता और कोमलता जो आर्ट उसको देगी तो वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और आज इस समय जो है कॉर्पोरेट्स को ये समझ होनी बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे समझदार लोगों को जो है कॉर्पोरेट्स को ऑप्ट भी कर लेते हैं अगर आप ये देखिए कि अच्छा। दूसरी बात कि हिस्टोरिकली जो आर्ट और कल्चर को सस्टेन करने के लिए पैसा और सत्ता ही आगे आई है, मतलब आप अभी भी देख लीजिए, मतलब जो ये जो जिन दाग दहल इन सब पोएट्स की जो आप बात करते हैं, ये सब के सब इनको रॉयल पेट्रनेज, और पेट्रनेज नहीं मिलता तो ये लोग कहाँ से इतना कर पाते ना, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपका वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें क्या है। तो अगर शायर जो है वो ही कह रहा है
जो उसके दिल से और उसके दिमाग से बिना एडल्ट्रेट हुए आ रहा है, तो फिर कहिए। और अगर आपको लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो आप प्लीज़ जाइए और करिए। और इससे जो है, अगर जैसे आप रिश्ता में ही देखें तो यंग पोल बहुत अच्छी जगह है, और वो ओपन माइक्स वगैरह भी हैं जहाँ पर लोग डिस्कवर होते हैं, और सोशल मीडिया में भी ये सब बहुत है। तो जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं वहाँ वहाँ आइए। एक सवाल चलते चलते शिफाली, क्योंकि उस तरह के इश्यूज़ पे आप लिख रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं, अभी आपने घटना पड़ी होगी जो हैदराबाद वेटनरी डॉक्टर के साथ हुआ, ये तो सिर्फ इसीलिए कि जैसा आपने जिक्र किया, आप मीडिया से जुड़ी हैं, कि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है, खबरें मीडिया तक आ जाती है तो वो केस हमें दिल्ली का निर्भया हो या हैदराबाद पता चल जाता है। मुझे लगता आए दिन कहीं ना कहीं इस समाज में इस तरह का हरासमेंट हो ही रहा है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह एक कैंडल मार्च निकल जाती है, एक फैशन है कि कैंडल मार्च निकाल दो, चलो याद कर लो, कब ये सिस्टम, कई लोग बात कर रहे हैं कि हमारे जो कानून को, लॉस को और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कि फांसी हो या उस व्यक्ति को, जो तमाम डिस्कशन तमाम मंचों पर चल रहा है, कि नपुंसक बना दो। आपको क्या लगता है, एज ए महिला, चूँकि आप संवेदना रखती हैं, आप लिखती हैं, राइटर हैं, आप गीतकार हैं, किस तरह देखती हैं, और आपको क्या लगता है इस पूरी घटना को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, समाज को बदलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कानूनी व्यवस्था एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि समाज को सहेज कर रखती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शायद मेरे लिए, मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है कि समाज की सोच में मूलभूत परिवर्तन और सोच। मतलब मैंने ये देखा कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं ये कहते हुए कि लिंचिंग कर देनी चाहिए। अरे ये तो बिल्कुल ही, मतलब तो हम इस तरीके के गुंडा राज में जिएंगे क्या, कि कल को आपको जो भी लगता है कि किसी ने गलत किया, कौन डिसाइड करेगा गलत है? अभी इसमें तो खैर बिल्कुल खुली खुली बात है कि ये हुआ, कल को आपने ये एकदम खुला छोड़ दिया कि जिसका जो मन चाहे वो लिंच कर दे, तो फिर कानून व्यवस्था किस लिए है भाई? और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, कानून का एक सबसे बड़ा काम ये होता है कि जब इमोशंस हाई हों, रिएक्शंस हाई हो, तब वो आके नॉन डिस्क्रिमिनेट और बिना रिएक्ट किए हुए, इमोशनली रिएक्ट किए हुए सज़ा सुनाए, जिससे कि सही जो काम है वो हो पाए। इमोशंस में बहना, तो फिर तो ये कह दो कि भाई उसने मेरे को मारा, मैंने उसको मारा, तो ये तो फिर जंगल राज है। जंगल में भी ऐसा नहीं होता है, जंगल में भी एक सिस्टम होता है। तो ये सब जो है नासमझी का काम है। और ये सोशल मीडिया के जिसको जो बोल रहे हैं, वो जो क्या नाम थे ना, 15 मिनट्स ऑफ फेम वाली बात है, जिसको जो बोल रहा है वो बोल रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये भी है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इस समय पेट्रियार्की जो अपने देश में है, वो इतनी क्यों इस तरीके से रिएक्ट करी, उसमें भी काम करना पड़ेगा, उसके रिफॉर्म में भी ज़रूरत है। वो सिर्फ सज़ा का काम नहीं है, वो समझना, दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल इशू। रेप इज़ अबाउट पावर, इट्स नॉट अबाउट सेक्स, इट इज़ नॉट अबाउट, इट्स अबाउट पावर एंड इट इज़ अबाउट डिसएम्पावरमेंट। सो यू नीड साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है, एंड देन इंटरवेंशन। वरना तो आपने तो ये देख लिया, लेकिन सड़क के घर, मतलब छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी कोने कोने में जो महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो है लोग जो है फप्तियाँ कसते हैं उन पर और रेप की थ्रेट्स दी जाती हैं, तो ये जो होता है, और मेल रेप इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंग। तो ये जो समाज, और यही चीज़ें धीरे 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 बढ़ती हुई ये रूप लेती, तो ये जो समाज में जो हमें परिवर्तन लाने हैं वो बहुत डीप काम है, वो लिंचिंग का काम नहीं है। डर के मारे नोबडी स्टॉप्स, क्राइम नहीं रुकता है डर से, और लिंचिंग से क्राइम नहीं रुकता है, क्राइम और दब जाता है और विभत्स होता है। तो हमें समाज को बदलने की ज़रूरत है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करती है अपने कर्म ऐसे आर्ट फॉर्म के जरिए, आप लंबे समय से लंदन में रह रही हैं, इंडिया जो आपने एक बात की कि अभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो बात होती है, अभी भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी, अभी भी इक्वलिटी की बात हो रही है, तो किस तरह देख रही है जो वेस्टर्न में जो फीमेल हैं उनको ज़्यादा आज़ादी है बोलने की, कहने की, जो बार बार हमारे देश में कहा जाता है, जो आपने बात की कि कुछ भी हुआ तो ब्लेमिंग जो है लड़की पे ही होता है कि तुमने ही गलती की, तुमने ही ऐसा किया, मतलब कभी भी वो जो बात हो रही, तो किस तरह आप देखती बाहर के, क्योंकि आप उस कल्चर में रची बसी हैं, इंडियन हैं, बहुत करीब से जानती, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये तो गलत फहमी है कि बाहर महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, इंसान का एक्सप्लॉयटेशन हर जगह है भाई, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन आप इस समय जेंडर बेस्ड उसकी डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, क्योंकि क्लास एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत बहुत बुरा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर, मतलब बाहर तो बहुत बड़ी दुनिया है ना, और हर तरीके के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ कंट्रीज़ में, कुछ समाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट
ए लॉज है, दूसरा एक सोशल अवेयरनेस है, तो जो है वो सोसाइटी थोड़ी सी और ऊपर उठ गई है उस सोच में, तो वहाँ पर कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह ख़त्म हुआ है, बिकॉज दिमागी परेशानी तो हर जगह हो सकती है और सामाजिक परेशानियाँ और कुरीतियाँ भी हर जगह होती हैं, और उसको बदलने का आप कितनी कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली सिविलाइज सोसाइटी का मतलब तो ये है कि आपके यहाँ जो परेशानी जैसे जैसे उठे, और दौर बदलेगा तो दौर की परेशानियाँ भी बदलेंगी, हर दौर में कि आपने एक चीज़ अब सब सही कर दी अब हमेशा से सही रहेगा ऐसा नहीं रहता, दौर बदलता है तो दौर की परेशानियाँ आती हैं। एक सिविलाइज सोसाइटी वो होती है जो कि अवेयर रहे कि इस दौर की ज़रूरत क्या है। सो आपने देखा कि जिस तरीके से शेफाली जी तमाम ये जो हमारे साहित्य और पोएट्री के हस्ताक्षर है उनको करीब से महसूस कर रही हैं, जान रही हैं, और जिस तरह से बगावत शायद उन शायरों की शायरी में नज़र आती है, चाहे वो दुष्यंत कुमार की हम बात करें या मजाज की बात करें, कि जिन्हें इश्क के अलावा उन्होंने जिस तरह से इंकलाबी शायरियाँ की, तो वही इंकलाबी तेवर हमने शेफाली जी में देखे कि वो आग है और उसी तरीके से वो फ़कीरी में जीना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम जो मीडिया और तमाम ग्लैमर को छोड़कर फिर अपनी दुनिया उसी में बसा ली है। तो ये थी शेफाली फ्रॉस्ट, जिनसे हमने एक ख़ास मुलाकात में बात की, और अगली बार फिर मुलाकात होगी शेफाली से ज़रूर, और उनकी कविताओं पे और बातचीत होगी, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।